विद्युत विभाग में कार्यरत बिजली कर्मचारी, अभियंता एवं कर्मचारियों की 5 सूत्री मांग को लेकर सोमवार से शुरू हुआ अनिश्चितकालीन महापड़ाव मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। महापड़ाव के दूसरे दिन कर्मचारियों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल चैनल वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राजस्थान विद्युत संयुक्त कर्मचारी एकता मंच के बैनर तले 17 सितंबर से जयपुर में शुरू हुआ महापड़ाव मंगलवार को भी जारी रहा। महापड़ाव के दूसरे दिन कर्मचारियों ने अर्धनग्न होकर विरोध प्रदर्शन किया एवं मांगे नहीं माने जाने तक सभी कर्मचारियों द्वारा भूख हड़ताल करने सहित उग्र कदम उठाने की चेतावनी दी। महापड़ाव को दूसरे दिन जलदाय विभाग, जयपुर मेट्रो, जयपुर JDA, नगर निगम जयपुर, राजस्थान कर्मचारी महासंघ द्वारा समर्थन देते हुए उनके अभियंता एवं कर्मचारी भी शामिल हुए। आज निगम प्रशासन द्वारा वार्ता के लिए नहीं बुलाने एवं ग्रेड पे के आदेश जारी नहीं होने से आक्रोशित हजारों कर्मचारियों ने महापड़ाव स्थल पर ही अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। साथ ही निगम प्रशासन एवं राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही इन मांगों पर जल्द आदेश जारी नहीं होने की स्थिति में महापड़ाव में उपस्थित सभी कर्मचारियों द्वारा भूख हड़ताल करने सहित उग्र कदम उठाने की चेतावनी दी है। राजस्थान विद्युत संयुक्त कर्मचारी एकता मंच द्वारा आयोजित इस महापड़ाव में इंटक के प्रदेशाध्यक्ष बजरंगलाल मीना, राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष पृथ्वीराज गुर्जर सहित कई संगठनों के प्रदेश भर से नेता महापड़ाव में शामिल हुए। आगे की रणनीति हमारी ये रहेगी, आज हमने जो अर्धनग्न प्रदर्शन किया है इसके बाद में अगर सरकार चेतती है तो ठीक है, नहीं तो कल हमारा सुबह से जो हमारा सेशन स्टार्ट होता है उसमें हम जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है भूख हड़ताल का, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ करके हम जो वर्ल्ड रिकॉर्ड 11,000 का बना हुआ है उसको तोड़ करके हम 21,000 लोगों की यहाँ भूख हड़ताल के एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। ये हमारा कल का प्रोग्राम रहेगा और फिर भी अगर सरकार नहीं चेतती है तो जो भी होगा, ब्लैकआउट हो, सप्लाई ठप हो या कुछ भी हो, उसकी सरकार जिम्मेदार होगी। ये हमारी तरफ से पूर्ण तरीके से सरकार को कह दिया जाता है। सदस्य एकता मंच, आज हमारे महापड़ाव का दूसरा दिन चल रहा है। लगभग विद्युत विभाग के सभी 5 बिजली कंपनियों के लगभग 35,000 कर्मचारी साथी यहां जगतपुरा में डेरा डाले हुए हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का वार्ता का कोई न्योता अभी तक कर्मचारियों के पास में पहुंचा नहीं है। संवैधानिक रूप से कर्मचारी अपना हक मांगने के लिए आज 3 से अर्धनग्न प्रदर्शन यहाँ हमारे कार्यक्रम स्थल के ऊपर जारी है, लेकिन अभी तक सरकार किसी भी प्रकार का मांगों के ऊपर सहमति नहीं बना रहे हैं, किसी भी प्रकार की वार्ता के लिए तैयार नहीं है, जनता को परेशानी हो रही है। उसके अलावा दमनात्मक नीति अपनाते हुए एकता मंच के जो मुख्य पदाधिकारी हैं उनको सस्पेंशन की नीति अपना रही है, इससे कर्मचारियों में और ज्यादा आक्रोश बढ़ता जा रहा है, इससे विद्युत व्यवस्था भी ठप हो सकती है।